हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक गुणक, जिसका हमने पूर्व में अध्ययन किया है और विभिन्न प्रकार के गुणक के प्रकारों को अध्ययन किया है, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम विदेश व्यापार गुणक क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से कोई भी देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, उसे किसी न किसी प्रकार से थोड़ा या अधिक मात्रा में विदेशों से व्यापार करना पड़ता है। हमारे द्वारा विदेशों को जो चीजें बेची जाती है, जिन वस्तुओं को भेजा जाता है उन्हें निर्यात की संज्ञा दी जाती है, और जिन वस्तुओं को हमारे द्वारा मंगाया जाता है उन्हें आयात की संज्ञा दी जाती है। तो अगर हम अपनी राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हम राष्ट्रीय आय में हम जो निर्यात हमने किया है वो हमारे देश का उत्पादन है उसके लिए उसको जोड़ेंगे, और जो विदेशों से आया हुआ है जो हमारे देश का उत्पादन नहीं है उसको राष्ट्रीय आय में से घटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार गुणक में देखिए y बराबर होगा C+C+I+G+X-M। तो यहां x है निर्यात को बताता है, एम यहां आयात को बताता है। सी बराबर A+B YD, YD बराबर होता है Y-T, टी बराबर होता है T0+t y। और दो प्रकार का निर्यात होता है, एक निर्यात तो हमको जो जरूरी है वो करना ही पड़ेगा, जिस वस्तु का प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम है उसको हमको विदेशों से मंगाना ही पड़ेगा, और दूसरा निर्यात हमारा आय पर डिपेंड करता है, आय ज्यादा होगी तो हम ज्यादा आयात कर सकते हैं। देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी है जो विदेशों से मंगानी पड़ेगी, तो ये आयात हमारा स्वायत्त आयात है, यानी एम बराबर M0+MY, इसमें ये तो है स्वायत्त आयात और ये है आय पर निर्भर आयात। तो यहां देखिए कुल मिला के हमारा इसमें रखेंगे तो आएगा y बराबर A+B YD+I+G+X-M की जगह M0+MY। तो ये जाएगा y बराबर A+B Y-T+I+G+X-M0+MY। अब टी बराबर T0+TY रखेंगे तो y बराबर A+B Y-T0+TY, इसको मजला पुस्तक लिख देते हैं, +I+G+X-M0+MY। अब देखिए यदि आयात में डेल्टा M0 परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय आय डेल्टा वाई बदलेगी। देखिए आयात अगर हमारे देश में आयात बढ़ता है तो उससे राष्ट्रीय आय में भी चेंज होगा, निर्यात में चेंज होता है तो भी राष्ट्रीय आय में भी चेंज होगा। तो हम ये मान रहे हैं कि आयात जो है डेल्टा M0 चेंज होता है तो आई में भी चेंज होगा, तो अगर वाई प्लस डेल्टा वाई आई में चेंज हुआ, A+B Y+Δy-T0+T, यहां पे भी वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, +I+G+X-M0+Δm0+My+Δy, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। ये इक्वेशन नंबर वन क्या किया हमने, यह y है, y में डेल्टा वाई जोड़ा, A+B Y में डेल्टा वाई जोड़ा, T0 ऐसा कैसे ही इस TY में डेल्टा वाई जुड़ा, I ऐसा कैसे ही, G ऐसा कैसा ही, X मान लीजिए हमने I, G और X को कांस्टेंट मान लिया, I, G और X बार को कांस्टेंट मान लिया, तो ये I, G और X बार कांस्टेंट हो गए। इसके बाद M आयात में चेंज हुआ डेल्टा M0 और यहाँ Y है तो डेल्टा Y+Y हमने इसको किया। अब देखिए समीकरण दो में से समीकरण एक घटाते मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है, समीकरण दो में से
समीकरण एक को घटाने पर सारे मैंने जितने भी गुणक के जो भी सवाल किए वो एक ही विधि से किए हैं, ताकि अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप सभी प्रकार के गुणक निकाल लेंगे, चाहे कर गुणक हो, चाहे हस्तांतरण व्यय गुणक हो, चाहे आनुपातिक कर गुणक हो, सभी प्रकार के गुणक को मैंने एक ही प्रकार के इक्वेशन से हल किया है। तो देखिए वाई प्लस डेल्टा वाई, ये तो ये वाला माइनस ये समीकरण एक वाला भाई, अब इसको लिख रहा हूं देखिए ए प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई। अब देखिए यहां बी पूरे में गुणा है, यहां से यहां तक ये पूरे में गुणा है, तो माइनस बी टी जीरो माइनस बी टी वाई माइनस बी टी डेल्टा वाई माइनस बी टी डेल्टा वाई मल्टीप्लाई किया प्लस आई बार जी कांस्टेंट एक्सपोर्ट कांस्टेंट माइनस एम जीरो माइनस डेल्टा एम जीरो ये माइनस माइनस ठीक है माइनस एम वाई माइनस एम डेल्टा वाई। अब इसमें से ये घटाएंगे आप इसको इसको इक्वेशन एक इसको लिख दें एक ही बात है माइनस ए माइनस बी वाई। अब ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस बी टी जीरो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस बी टी वाई माइनस आई बार जी माइनस जी कांस्टेंट माइनस एक्स बार कांस्टेंट और माइनस माइनस फिर प्लस प्लस एम जीरो प्लस एम वाई। ये सारा हमने निकाल लिया समीकरण दो में से समीकरण एक घटाया। अब देखिए क्या करेंगे y से y कट गया ये a प्लस का है a माइनस का बी वाई प्लस का बी वाई माइनस का बी टी जीरो माइनस का बी टी जीरो प्लस का बी टी वाई माइनस का बी टी वाई प्लस का आई प्लस का आई माइनस का जी प्लस का जी माइनस का एक्स बार प्लस का एक्स बार माइनस एम जीरो माइनस का एम जीरो प्लस का एम वाई माइनस का एम वाई प्लस का। अब बचा क्या डेल्टा वाई बराबर बी डेल्टा वाई बचा, इसके बाद देखिए माइनस बी टी डेल्टा वाई बचा माइनस डेल्टा एम जीरो बचा माइनस एम डेल्टा वाई बचा बस ये बचा। तो डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई माइनस बी टी डेल्टा वाई प्लस एम डेल्टा वाई बराबर बचा डेल्टा एम जीरो। डेल्टा वाई कॉमन वन माइनस बी बी टी वाई बी टी वाई बी टी वाई ये माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया प्लस बी टी प्लस एम बराबर माइनस का डेल्टा एम जीरो। तो ये हुआ डेल्टा वाई बटे डेल्टा एम जीरो आयात गुणक विदेश व्यापार गुणक बराबर माइनस का है वन अपॉन वन माइनस बी कॉमन लिया वन माइनस टी प्लस एम। तो ये हमारा फोर एन ट्रेड मल्टीप्लाई के एफ से माइनस का वन अपॉन वन माइनस बी वन माइनस टी प्लस एम। इसका मतलब है फोर एन ट्रेड मल्टीप्लायर माइनस होता है अर्थात यदि हम आयात की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमारा गुणक का प्रभाव ऋणात्मक रूप से काम करेगा। अगर जैसे जैसे आयात बढ़ेगा वैसे गुणक प्रभाव उसका क्या होगा नेगेटिव होगा, और अगर हमारा निर्यात बढ़ता है तो निर्यात बढ़ता है तो गुणक प्रभाव पॉजिटिव होगा। तो हमने ये आयात बढ़ने की स्थिति में एक आकलन किया। अभी हम देखते हैं अगर हमारा निर्यात बढ़ता है तो क्या होगा, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं।
अभी देखिए अगर निर्यात बढ़ता है तो क्या करना है, y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, c बराबर होता है a प्लस बी वाई डी, वाई डी बराबर होता है y माइनस टी, और t बराबर होता है टी जीरो प्लस टी वाई, और m बराबर होता है एम जीरो प्लस एम वाई। सब मान एक साथ रख देता हूं तो y बराबर a प्लस बी y माइनस टी वाई डी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जीरो प्लस एम वाई, ये एम जीरो कॉमन रख दिया, तो y बराबर a प्लस बी y माइनस टी की जगह मैंने लिखा टी जीरो प्लस स्मॉल टी वाई, ये वजला पुस्तक लगा देते हैं, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जीरो माइनस एम वाई। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन। यदि निर्यात डेल्टा एक्स बदलता है तो आय भी डेल्टा वाई बदलेगी, तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई बराबर a प्लस बी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस टी जीरो माइनस टी वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस i प्लस g प्लस x प्लस डेल्टा x माइनस एम जीरो माइनस एम y प्लस डेल्टा वाई, ये इक्वेशन नंबर टू। हमने यहां क्या किया, हमने माना कि निर्यात बढ़ता है, निर्यात में चेंज होता है, पिछली बार हमने क्या देखा था आयात में चेंज किया था। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर टू में से वन को घटाएं तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, देखिए y प्लस डेल्टा y, इस y को घटाएं। अब इस पूरे समीकरण को लिख रहा हूं a प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई माइनस बी टी जीरो माइनस बी टी वाई माइनस बी टी डेल्टा वाई प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एम जीरो माइनस एम वाई माइनस एम डेल्टा वाई। अब ये घटाएंगे माइनस ए माइनस बी वाई माइनस माइनस प्लस बी टी जीरो प्लस बी टी वाई माइनस आई माइनस जी माइनस एक्स, ये एम जीरो प्लस हो जाएगा और एम वाई भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये वाई माइनस का प्लस का कट गया, ए प्लस ए माइनस बी वाई प्लस बी वाई माइनस बी बी टी जीरो प्लस का और बी टी माइनस का कट गया, बी टी वाई माइनस का बी टी वाई प्लस का कट गया, आई प्लस माइनस जी प्लस जी माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एम जीरो माइनस एम जीरो प्लस एम वाई माइनस एम वाई प्लस। तो बचा क्या, बचा डेल्टा वाई बराबर बी डेल्टा वाई माइनस बी टी डेल्टा वाई माइनस एम डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स, ये चीजें बची सारी। अब हमको क्या करना है, डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई प्लस बी टी डेल्टा वाई प्लस का एम डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कॉमन ले लिया, वन माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम बराबर डेल्टा एक्स। अब देखिए पूरा पहले की तरह इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला, अब देखिए क्या करना है, ये आया डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स फोरेन ट्रेड मल्टीप्लाई बराबर होगा वन अपॉन वन माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम, ये बचा इसको और सोच सकते हैं डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर वन अपॉन वन माइनस बी कॉमन वन माइनस टी प्लस एम। सामान्य रूप से किसी भी किताब में जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है उसका मान यही दिया होता है वन माइनस बी वन माइनस टी प्लस एम।
तो यहां देखिए, हमने इससे जाना कि विदेश व्यापार गुणक में अगर हम निर्यात करते हैं तो गुणक का मान धनात्मक आता है, यानी हम जितना निर्यात करेंगे तो आय हमारी हमारे लोग निर्यात से हमारे को विदेशों से पैसे की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी तो उसका भी निवेश प्रभाव की तरह ही उससे हमारी आय कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमारे द्वारा आयात पर खर्चा किया जाता है तो हमारे देश का पैसा विदेश में जाता है तो जितना पैसा जाता है आय उससे कई गुना कम हो जाती है, ये गुणक के रिसाव की बात होती है। तो देखिए, हम गुणक में रिसाव में इंजेक्शन की भी बात कर लेते हैं। गुणक में रिसाव व इंजेक्शन कौन कौन सी चीज से गुणक प्रभाव पॉजिटिव आता है और कौन कौन सी चीज से गुणक प्रभाव नेगेटिव आता है। तो देखिए, y बराबर है c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी बराबर होता है ए प्लस बी वाई डी, इसका मतलब वाई डी बराबर होता है y माइनस टी, तो वाई डी प्लस टी बराबर होता है y। ओके, यहां इसको देखिए, वाई डी प्लस टी बराबर y। तो मैं क्या करता हूं, y माइनस सी को इधर लाता हूं, m को इधर लाता हूं, तो यह बचा आई, ये बचा जी, ये बचा एक्स। देखिए, निवेश से भी गुणक प्रभाव पॉजिटिव होता है, सरकारी व्यय का गुणक प्रभाव भी पॉजिटिव होता है, और अभी हमने देखा निर्यात का भी गुणक प्रभाव पॉजिटिव होता है। तो ये तीनों गुणक प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व है। अब इधर देखिए, वाई की जगह मैं लिखता हूं वाई डी प्लस टी, तो ये हुआ वाई डी प्लस टी माइनस सी प्लस एम बराबर आई प्लस जी प्लस एक्स। तो वाई डी में से खर्च हो गया, आई में से हम खर्च घटा देते हैं, तो यहां बचा टैक्स, ये बचा आयात बराबर आई। इनको ऐसा कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं, आई प्लस जी प्लस एक्स। अब देखिए, वाई डी खर्च योग्य आय को या तो हम खर्च करेंगे या बचा लेंगे, तो वाई डी माइनस सी बराबर क्या हुआ, एस। तो हमने लिखा एस प्लस टी प्लस एन बराबर आई प्लस जी प्लस एक्स। तो देखिए, ये बचत की वजह से गुणक प्रभाव पर ऋणात्मक असर पड़ता है, कर लगाने की वजह से गुणक प्रभाव पर ऋणात्मक असर पड़ता है, आयात करने की वजह से गुणक प्रभाव पर रिसाव होता है। तो ये तीनों रिसाव को बताते हैं और ये तीनों इंजेक्शन को बताते हैं। अगर ये तीनों तत्व के बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा गुणक प्रभाव क्या होगा, संतुलित बजट गुणक की तरह एक दूसरे को ये प्रभावित कर देंगे। तो यहां इस वाले वीडियो में हमने देखा कि विदेश व्यापार गुणक को अगर हम करते हैं और अगर हमारा आयात बढ़ता है तो विदेश व्यापार गुणक हमारा नेगेटिव रूप से कार्य करता है, और अगर हमारा निर्यात बढ़ता है तो विदेश व्यापार गुणक हमारा पॉजिटिव रूप से कार्य करता है। तो यहाँ गुणक के रूप में हमने करीब 8-9 वीडियो हमने करे हैं। अगले वीडियो से हम मैथमेटिकल क्वेश्चन गुणक के किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।